हेलो फ्रेंड्स, मैं बलराम आपके अपने यूट्यूब चैनल बी एस पी जनलवर में आपका स्वागत करता हूँ। तो आज की वीडियो में हम अपने कबूतरों का ब्रीडिंग सेटअप दिखाने वाले हैं, तो वीडियो में काफ़ी मजा आने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हम अपने लॉफ्ट के अंदर आ चुके हैं। तो ये अपने कुछ कबूतर बैठे हुए हैं सामने, ठीक है। तो अब आपको दिखाते हैं अपना ब्रीडिंग सेटअप। तो अपना सेटअप कुछ इस तरीके से बना रखा है हमने, ठीक है भाई। कबूतर काफ़ी ज़्यादा ही डर रहे हैं, तो इन सबको पहले बाहर निकालते हैं, फिर आपको दिखाते हैं सेटअप। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने अपने सारे कबूतर बाहर निकाल दिए। तो भाई अपना सेटअप कुछ स्टेप से है। तो ये पहला खाना, और ये भाई दूसरा। इस पर इस कबूतरी ने भाई घोंसला बना रखा है अंडे अंडे वगैरह देने के लिए, ठीक है। चौथा खाना, भाई थोड़ी गंदगी मची हुई है अंदर, क्योंकि सफाई नहीं किया भाई अभी इसलिए। और ये एक अपना ये मटकी, मटकी का मटकी में भी रहता भाई एक कबूतर अंदर, अभी अभी लगाया, इससे ज़्यादा दिन नहीं हुआ, ठीक है। तो देख लो भाई पूरा। और जिन भाइयों के पास भाई पैसे नहीं होते ना ब्रीडिंग सेटअप बनाने के, तो इस तरह के जो टीन वाला आता है ना भाई, तेल का टीन जो आता है, वो आप ले सकते हैं। 10-20 रुपये में कहीं से भी मिल सकता है आपको, ठीक है। तो आप इससे अपना ब्रीडिंग सेटअप बना सकते हैं। इसमें अंडे बच्चे भी अच्छे होते हैं भाई, मेरे यहाँ अभी तक 5 बार मतलब मैंने बच्चे निकलवा चुका हूँ इसके अंदर। तो अगर आपके पास पैसे नहीं होते तो आप ये बना सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे सारे कबूतर खुले हुए हैं। तो जो भी मेरा भाई इस चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब करे, वीडियो अच्छी लगती है लाइक करे, शेयर करे और कमेंट करे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।